कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज हम लोग थोड़ा सा भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का चर्चा इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि हमारे वैष्णवी राधा माता जी बहुत दिन से एक ही फरमाइश, मतलब अनुरोध, अनुरोध नहीं, उनका आदेश है कि प्रभु जी आप थोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना, उनका जो पूर्वज है, उनका पूर्वज आया है मध्य प्रदेश से, कन्नौज से, का दसवां पूर्व पुरुष भक्ति विनोद ठाकुर का। तो उनका जो दसवां जो पूर्व पुरुष था, उनका नाम था पुरुषोत्तम दत्ता। तो वो यहाँ पर आए और उस समय कलकत्ता नहीं हुआ था, कलकत्ता का निर्माण नहीं हुआ था उस समय की बात है। तो सूतानाटी, गोविंदपुर और कोलिकाता, मतलब गोविंद जो है ना, गो आपका पुरुषोत्तम से भी पहले, मतलब पुरुषोत्तम जैसे उदाहरण स्वरूप भक्ति विनोद ठाकुर मान लीजिए आपका 17वां पीढ़ी में है। भक्ति विनोद ठाकुर को आप मान लीजिए कि 17वां पीढ़ी में है, तो पुरुषोत्तम जो है ना वो 15 पीढ़ी में है। और वो जो गोविंद जो है ना, वो गोविंद पहले पीढ़ी में है। वो तो गोविंद आया बंगाल, कन्नौज से, अर्थात मध्य प्रदेश से आया यहां पर बंगाल। तो उस समय 3 गांव को लेकर कलकत्ता का निर्माण हुआ, गोविंदपुर, क्योंकि गोविंद सरकार जो है ना, उस गोविंद नाम से उनको जमींदार बना दिया, यहां से लाया, जैसे उज्जैन से जो महाराज, क्या नाम था, इंद्रदुम्न, जो उड़ीसा गए थे, उड़ीसा में उनको राज्य मिला, उनको ये मिला सब कुछ। तो ऐसे ही कन्नौज से जो आया था गोविंद दत्त, तो उनके नाम से वो जगह का निर्माण हुआ जिनका जो है गोविंदपुर। तो गोविंदपुर, सूतानाटी और कोलिकाता, 3 चीज को लेकर कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ। और तब से वो शहर बढ़ते 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 अब अभी हम लोग जो देख पा रहे, तो ये 250 साल पहले, 150 दो 200 साल पहले की बात। तो पुरुषोत्तम तो के जो भक्ति विनोद जो ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर, तो इनका नाम था केदारनाथ दत्त। तो केदारनाथ दत्त का जो पढ़ाई लिखाई हुआ कलकत्ता से हुआ। तो विश्व जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, हम सभी जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवा माता जानते हैं, गीता माता जानते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चलिए पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में 2 मिनट का। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर का अर्थ होता है विद्या, मतलब उनके पास इतना ज्ञान है कि उसकी तुलना विद्यासागर के साथ किया जाता है, इतना विद्यासागर थे। तो इंग्लैंड से, लंदन से एक व्यक्ति विद्यासागर से मिलने के लिए आए। हाँ, तो विद्यासागर था प्लेटफॉर्म में, उनको जो व्यक्ति, उनका मेहमान जो आने वाला है यहाँ से, इंग्लैंड से, लंदन से, तो पहले से तो चिट्ठी पत्र हुआ था, पत्राचार, कि मैं अमुक दिन में कलकत्ता पहुंच रहा हूं। तो जब वो आए तो प्लेटफॉर्म में विद्यासागर उनको लेने के लिए आए। तो अभी विद्यासागर का घर देखा नहीं, और तुरंत आके तो व्हाट्सअप कर नहीं सकता, मैसेंजर में कॉल नहीं कर सकता कि आप कहाँ पर है, आपका लोकेशन बताइए। उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, 200 साल, 150-200 साल पहले की बात है। तो विद्यासागर जो वहां पर एक कुली का रूप धारण करके थे, कुली, कुली मतलब हम लोग जानते हैं ना, कुली सभी जानते, कुली,
प्लेटफॉर्म में जो मतलब हमारा सामान को ढोते हैं। तो विद्यासागर को बोल कि आपको पता है कि विद्यासागर का घर कहाँ है, आप मुझे थोड़ा उनके पास ले जाएंगे। और किसको बोल रहे? विद्यासागर को बोल रहे, उनको पता नहीं है विद्यासागर है। बोले कि हाँ क्यों नहीं, चलिए आपको वहां पे ले जाएंगे। तो विद्यासागर क्या किया, उनके घर में ले गए। तो वो व्यक्ति पूछा, अच्छा कब उनसे मुलाकात होगा? विद्यासागर को पूछा, बोले कि विद्यासागर शायद वो कहीं पर गए हैं, वो तुरंत आएंगे, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो विद्यासागर चले गए स्नान करने के लिए। तो स्नान किया, अच्छा कपड़ा पहना और व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ। तो जैसे ही प्रकट हुआ तो वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा। बोले कि हे भगवान, मैंने क्या गलती की, आपको कुली समझकर मेरा समस्त सामान आपके माथे में ढो के यहाँ पे पहुंचाया, और आप है विद्या का सागर, सारे जगत में आपकी ख्याति है, और ऐसे व्यक्ति के चरणों में इतना बड़ा अपराधी हूँ। तो विद्यासागर बोले कोई बात नहीं। तब सच में वो व्यक्ति उसको रिकॉग्नाइज किया कि विद्यासागर जो है ना, एक व्यक्ति सिर्फ महान ज्ञानी होने से नहीं होता, एक व्यक्ति की पहचान होती उनका कितना विनम्रता है ना। मान लीजिए कि अनजान व्यक्ति, उदाहरण स्वरूप क्या हो, वो एग्जाम्पल दे कि कोई एक अनजान व्यक्ति मेरे साथ, हाँ चले एग्जाम्पल, मैं फेसबुक चलाता हूँ, जगन्नाथ देवदास फेसबुक मेरा आईडी है, तो उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। तो नंबर पे मुझे कोई कॉल किया, जैसे कुछ दिन पहले कॉल किया था एक व्यक्ति, मतलब 5-6 दिन पहले। तो कॉल करने के बाद उनका नाम है क्या शर्मा, तो बोले कि प्रभु जी आप तो गिरिराज, आपका यूट्यूब का वीडियो देखा, गिरिराज अपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, मैं फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। तो मैं क्या सोचा, ये जो हमारे वैष्णवी राधा माता जी, उनका दामाद है, उनका दामाद है, पुणे से फोन किया है। तो मैं बोला प्रभु जी आई कॉल इट टुमरो बिकॉज नाउ नाइट टाइम आई गो टू स्लीप। मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मैं समझा कि अच्छा व्यक्ति है भाई, उनके साथ तो ऐसे ही बातचीत करना है, तो मैं इंग्लिश में सब कुछ कॉन्वर्सेशन सब कुछ किया। तो मैं क्या सोचा कि जो विश्वधारिणी माता जी उनका पति देव है, वो मुझे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन माता जी को फोन किए थे, फोन उठाए नहीं, तो हो सकता है प्रभु जी को फोन नंबर दिया मेरा, वो मुझे डायरेक्ट फोन कर रहे। बाद में पता चला दूसरे दिन जब मैं फोन किया, हाँ प्रभु जी बोलिए आप क्या करते हैं। बोले कि प्रभु जी मैं पुणे में नौकरी करता हूँ, एक्चुअली मैं हूँ आसाम का। तो मैं बोला तो विश्वधारिणी माता जी, मैंने बोली कौन विश्वधारिणी माता जी, बोले कि मैं कोई किसी को नहीं जानता, मैं तो खुद अपना फ्लैट एक चाहता हूँ मायापुर धाम। तो बोले कि आपको मेरा इन्फॉर्मेशन मिला कैसे? बोले कि आपका यूट्यूब का वीडियो देखा, आपका यूट्यूब में चैनल है ना, उसमें गिरिराज अपार्टमेंट के बारे में दिया है, और आपका फेसबुक आईडी में आपका नंबर मिला, आपका फेसबुक में आपका नंबर दिया हुआ है, तो उससे कॉल किया। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वो व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए 2 महीने बाद मायापुर आएंगे फ्लैट के संबंध में, तो अगर मैं नवद्वीप स्टेशन में जाऊं एक गामछा पहन के, जस्ट एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल, और उसके बाद मैं उनके घर में लेके आऊं और बाथरूम में स्नान करके धोती कुर्ता पहन के, हाँ मैं हूँ जगन्नाथ देवदास, तो क्या सोचेगा? तो क्या ये कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ये क्या संभव है गीता माता, ये क्या संभव है? लेकिन विद्यासागर, विद्यासागर कैसे व्यक्ति थे सच में, बाप रे, उन्होंने एक इंग्लैंड दूर देश का अपने आप का परिचय एक भिखारी के रूप में दिया कि मैं एक कुली हूं। यद्यपि प्रभु जी फेसबुक के यूट्यूब के माध्यम से मुझे जाना कि प्रभु जी मायापुर टीवी में क्लास देते हैं, इनका मायापुर में घर है, सब कुछ वो जाना, लेकिन फिर भी मैं वो सा रोल नहीं निभा सकता जो विद्यासागर ने निभाया है ना। तो ऐसे थे विद्यासागर। तो विद्या सिर्फ ज्ञान होना ही साफी से नहीं है, उनके अंदर विनम्रता होना चाहिए, और वो विनम्रता का मूर्तिमान स्वरूप है विद्यासागर, जो जिन्होंने अपने आचरण के माध्यम से उनके सामने प्रेजेंट किया। तो ही विद्यासागर के स्कूल में पढ़ते थे भक्ति विनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्त। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनका पिता है भक्ति विनोद ठाकुर। तो ही भक्ति विनोद ठाकुर हमारे विश्वनाथ प्रभु को जब भी देखते तो भक्ति विनोद ठाकुर याद आते हैं। यद्यपि विभा माता जी बोले नृसिंहदेव जैसा दिखते है मायापुर का नृसिंहदेव, लेकिन मैं जब भी प्रभु जी को देखता हूँ विश्वनाथ मंडल प्रभु जी को एकदम सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की तरह देखते हैं, क्योंकि हमारे अभयचरण सीरियल में जो भक्ति विनोद ठाकुर का रोल निभाए है ना, तो अभयचरण सीरियल में भक्ति विनोद ठाकुर
और हमारे विश्वनाथ प्रभु दोनों जैसे लगता है हूबहू एक ही व्यक्ति। तो सच में हमारे विश्वनाथ प्रभु का भी क्या महिमा है। माता जी तो एक उपाधि दे ही दिए है और दूसरा कि भक्ति विनोद ठाकुर का भी कृपा धन्य है। चेहरे से भी मिलना, जैसे अगर कोई बोले, जैसे मुझे एक मायापुर टीवी का जो जो ये चलाते हैं ना कैमरामैन है, तो कैमरामैन बोले कि प्रभु जी जब आप पंचतत्व तक आते हैं ना मंदिर में गुरु पूजा, तो अजय देवगन की तरह दिखते हैं। तो बोले कि हाँ प्रभु जी। तो एक उपाधि की बात है, एक उपाधि, क्योंकि आपका जो चाल ढाल स्टाइल, जैसे फिल्मों में जैसे अजय देवगन जैसे स्टाइल मारते हैं, वैसे आप भी स्टाइल में, जब आप लेक्चर देते हैं नारद भक्ति सूत्र का सेमिनार, तो वैसे अजय देवगन भी किसी के साथ गुंडे के साथ ऐसे डायलॉग करते। तो मैं बहुत हंस भी रहा था और मैं बोला कि क्या बात कर रही है ना। तो ये उपाधि भी एक बड़ी बात है। उसी प्रकार विश्वनाथ प्रभु जी के जीवन में भी ये दो चीज है, उपाधि एक भक्त विनोद ठाकुर और एक भगवान नृसिंहदेव। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसके कॉलेज में, मतलब उसके स्कूल में पढ़ते थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो क्लास में एक चीज पढ़ा रहे थे, गीता माता जी अभी बुक पढ़ने का समय नहीं, अभी ध्यान से सुनने का, ठीक है। तो वो बुक पढ़ा, हाँ ठीक है, वो भक्ति, ये देखिए भक्ति विनोद ठाकुर का पिक्चर देखिए, माता जी निकाल ले, ये देखिए, ये सभी देख पा रहे हैं, ये है भक्ति विनोद ठाकुर। तो वो पढ़ाते पढ़ाते क्या किया, बोले कि ईश्वर निराकार। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना, उनका उम्र जब वो पढ़ते थे कम से कम कितना, 2 क्लास के हो गए। भक्ति विनोद ठाकुर पूरे क्लास का सबसे नंबर वन स्टूडेंट, और भक्ति विनोद ठाकुर के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेस्ट टीचर, उन दोनों का ऐसा सामंजस्य था। तो भक्ति विनोद जैसे ही क्लास में बोले कि ईश्वर निराकार है, तो भक्ति विनोद ठाकुर छोटा सा बच्चा क्लेम किया, बोले कि अच्छा सर आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं, आप कभी भगवान को देखे हैं? बोले कि नहीं ये तो देखा नहीं, तब कैसे बोल सकते कि भगवान निराकार है? तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतना विद्या का मूर्तिमान, मतलब विनम्र, उस बात को स्वीकार किए, हाँ ये तो तथ्य है क्योंकि मैं देखा नहीं। तब भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि भगवान साकार भी हो सकते हैं, आप जबकि देखे नहीं, है ना, साकार भी है निराकार भी है, तो भगवान साकार भी हो सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर तब से छोटे बच्चे से ही लेकर वो तर्क वितर्क करते थे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इसीलिए हमारे इस्कॉन मूवमेंट वही धारा में है, भक्ति विनोद ठाकुर की धारा में, जिनका आज शुभ दिन है, मतलब शुभ आविर्भाव दिवस, व्यास पूजा। तो सुरभि कुंज में भक्ति विनोद ठाकुर का आज हमारा प्रोग्राम हुआ। सुरभि कुंज है यहाँ पर आपका जो गोद्रुम द्वीप है, अगर आप लोग जब आएंगे ना मायापुर धाम, तो सब जगह को घुमाएंगे आप सभी को, गोद्रुम द्वीप, हाँ आपका नृसिंहपल्ली, सब जगह भ्रमण कराएंगे नवद्वीप का। तो हम उस समय यहाँ तो पूरा बारिश हो रहा था, इसलिए हम सुरभि कुंज गए नहीं, तो हम यूट्यूब से देख रहे थे लाइव, मायापुर टीवी चलाए थे भक्ति विनोद ठाकुर का सुरभि कुंज। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा, अगर यहाँ पर उपलब्ध है सुरभि कुंज के बारे में, जस्ट वेट। तो तब तक आप लोग थोड़ा सा मेरे पीछे पीछे भक्ति विनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र उच्चारण कीजिए, ताकि उनका कृपा हम लोग को प्राप्त हो। मेरे पीछे पीछे दोहराना है, नमो भक्ति विनोदाय, नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद रूपिणे, सच्चिदानंद रूपिणे। एक सेकेंड, सुरभि कुंज मायापुर, सुरभि कुंज मायापुर, जैसे लास्ट वाला वाला ही ना, हरे कृष्णा। ये देखिए भक्ति विनोद ठाकुर का जो सुरभि कुंज है ना, दिखाई दे रहा है,
ये है, देखिए ये है हमारी इस्कॉन मायापुर टीओबीपी, तो यहाँ से दिखता है ये सुरभि कुंज, सुरभि कुंज द बार्क प्लेस ऑफ नामहट्ट। भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ से नामहट्ट की शुरुआत की। ये देखिए सुरभि कुंज, इतने सारे लोग आज गए थे ये करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। जब आप लोग आएंगे तब दिखा देंगे, सब दिखा देंगे। सुरभि कुंज में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये है भक्ति विनोद ठाकुर, देख पा रहे भक्तगण, ये है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर को ये देख के तो हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी ऐसे देखते हैं थोड़ा, लेकिन प्राण मोहन सिंह प्रभु जी का मूछ है, मूछ नहीं होना चाहिए। मूछ है क्या? नहीं होना चाहिए। तो ये सुरभि कुंज, तो जब आप लोग आएंगे तो दर्शन होगा। खिचड़ी खिचड़ी वितरण होता है विजिट मायापुर सुरभि कुंज। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर का वो जब बचपन में ऐसा हुआ तो उसके बाद वो चले गए कटक भद्रक में वो हेडमास्टर हुआ। हेडमास्टर होने के बाद फिर कुछ कारणवश वहां पे इंग्लिश का प्रोफेसर हेडमास्टर प्रिंसिपल हुआ, फिर मेदिनीपुर में आके हाई स्कूल का प्रिंसिपल हुआ। फिर ब्रिटिश सरकार भक्ति विनोद ठाकुर को, तो भक्ति विनोद ठाकुर की दो पत्नी है, एक पहली पत्नी जो है ना वो मर गई, तो जब पहला जो बच्चा हुआ तो बच्चा को अभी लालन पालन कौन करेंगे, ऐसी भावना को लेकर उन्होंने भगवती देवी से शादी की, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माँ है। भगवती देवी से शादी की, विवाह किए, और तब वही भगवती देवी की कृपा से, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना सप्तम गोस्वामियों में से एक है, जैसे हमारे षड़ गोस्वामी वृंदावन का, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये महाप्रभु के समय। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर है ये है हमारे सप्तम गोस्वामी, सेवेंथ गोस्वामी। क्यों? क्योंकि षड़ गोस्वामी गण यही छोई गोसाई जबे ब्रजे कर लो वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। मतलब ये षड़ गोस्वामी जब वृंदावन गए तो वृंदावन धाम को प्रकाशित किया ये षड़ गोस्वामी गण, इससे पहले वृंदावन धाम लुप्त था, 5000 वर्ष भगवान श्री कृष्ण लीला करके चले गए उसके बाद ये लुप्त था, लेकिन महाप्रभु की शक्ति प्रदत्त ये षड़ गोस्वामी गण जब वृंदावन गए तो वहां पर जाके वो लुप्त तीर्थ का उद्धार किया, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, सब कुछ का खोज निकाला रिसर्च करके। तो इस प्रकार, और ये जो मायापुर धाम, नवद्वीप धाम, भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन जाना चाह रहे थे इसलिए भजन साधन करने के लिए, क्योंकि उन लोग, उनको पता चला कि यहाँ के जो आउल बाउल लेड़ा लेड़ी करता भेजा ढोंगी साधु बाबा, ये लोग भक्ति के नाम पर बहुत अपप्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मेरे द्वारा कंट्रोल करना संभव नहीं, इसीलिए खुद अपना उद्धार करने के लिए वृंदावन जाना चाह रहे थे भक्ति करने के लिए। लेकिन तारकेश्वर जो शिव है, तारकेश्वर शिव, जैसे अलग अलग जगह में शिव है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, उसी प्रकार तारकेश्वर जो सामने ही है हमारा, यहाँ से 2 घंटा लगता है बस में, तारकेश्वर जो शिव है, शिव रात में सपने में आया भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में, और बोले भक्ति विनोद ठाकुर को बोले कि तुम क्यों जा रहे वृंदावन, अगर तुम वृंदावन चले जाओगे तो मायापुर धाम, महाप्रभु का धाम जो लुप्त हो गया है, नवद्वीप धाम, इनको कौन प्रकाशित करेगा,
तो भक्ति विनोद ठाकुर सपनों में ही उनको उत्तर दिया कि मेरे पास क्या क्षमता है, बोले कि आपको कोई क्षमता की जरूरत नहीं, आप जस्ट स्टे इन मायापुर धाम, आपको जस्ट मायापुर धाम में रहना है, सब कुछ मैं करूंगा। तो जो भगवान शिव शंकर तारकेश्वर शिव जिन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर पर कृपा किए वैष्णवानाम यथा सिंभु, इसीलिए भगवान शिव की पूजा वैष्णव के रूप में सर्वदा हम लोग करना चाहिए कि हे प्रभु आप ही मुझे शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करें। और जो दुर्गा देवी सीमंतिनी देवी जो सत्ययुग में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए थे, तो जो शिव और दुर्गा है ना, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये सब वैष्णवों में प्रधान है दोनों। इसीलिए शिव दुर्गा से हम लोग को प्रार्थना करना है कि भव और भवानी, ये भव चक्र संसार माया जाल, इससे मुक्त होने के लिए उन लोगों का कृपा आशीर्वाद जरूरत होता है। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर तारकेश्वर शिव से कृपा प्राप्त किए और मायापुर धाम का, मायापुर धाम को प्रकाशित किए, और उन्हीं की बदौलत अभी हम लोग एकत्रित हुए हैं, मायापुर धाम का प्रकाश हुआ भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से। तो श्रील प्रभुपाद ने ही मायापुर धाम को सारे विश्व में फैला दिया, सारे विश्व का हेडक्वार्टर। इस प्रकार हम लोग श्रीमद भागवतम के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या 10 और 11 समापन हुआ, और साथ ही साथ आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, तो आविर्भाव दिवस के शुभ अवसर में हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान करे, श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में पूर्णतः शरणागत होने की शक्ति प्रदान करे, ताकि हम लोग अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाकर जगत वासियों के लिए कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को कुछ लगा सकूं, मतलब कुछ हिस्सा। तो मंत्र नमो भक्ति विनोद, हाँ चलिए मेरे पीछे पीछे दोहराना, नमो भक्ति विनोदाय, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद रूपिणे, सच्चिदानंद रूपिणे गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते, इसका अर्थ है कि नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, कि हे भक्ति विनोद ठाकुर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सच्चिदानंद स्वरूप है, गौर शक्ति स्वरूप आए, और आपका जो स्वरूप है, आपका जो रूप है, आपका जो जीवन है, भगवान गौरांग महाप्रभु की शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है, गौर शक्ति स्वरूप आया रूपानुग बरायत, रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी, जो वैदिक फिलोसॉफी, जो गौरांग महाप्रभु का जो फिलोसॉफी लिख डाला, तो रूप गोस्वामी का पूर्णतः 100% अनुसरण आप किए हैं। रूपानुग बरायते, रूप अनुग मतलब अनुगमन करना, तैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरणों में आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, ताकि हम सबको शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त। इस प्रकार हम लोग आज के श्रीमद भागवतम की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। इस संबंध में भक्त का किसी प्रकार का कुछ कॉमेंट, प्रश्न, क्वेश्चन, फीडबैक हो तो बोल सकते हैं, हमारे पास 4 मिनट समय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थोड़ा सा प्रभु जी एक जानकारी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ आज बिहार में एक त्योहार मनाया जाता है अनंत चतुर्दशी, जिसके बारे में कुछ अनंत चतुर्दशी हमारे यहाँ बिहार में मनाया जाता है, मनाया जाता है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा प्रभु जी, मेरा तो उतना पूर्ण इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप ही थोड़ा बताने की कृपा करें सभी भक्त, हमें जानकारी नहीं है प्रभु, आपको जानकारी नहीं, तब मुझे जानकारी लेना होगा। और हमारे विभा माता जी को पता है क्या, नंद किशोरी माता जी को बिल्कुल पता होगा, बिहार में है तो ये त्योहार अनंत चतुर्दशी हर घर में मनाया जाता है। अनंत क्या, अनंत चतुर्दशी, अनंत भगवान विष्णु का ही एक रूप है, अनंत चतुर्दशी, अनंत नाग, अनंत नाग, अच्छा अच्छा, चतुर्दशी तिथि है ना प्रभु जी, तिथि तो चतुर्दशी तिथि है ना प्रभु जी, आज हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ जो है धागा के रूप में
जानते नहीं थे तुझे आपसे जानकारी। ठीक है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अनंत चतुर्दशी क्या है, दो मिनट हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम लोग तभी किए हुए हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ